एवरीवन, दिस इज देव एंड आज हम संडे राइड पे जा रहे हैं. सो दिस इज द सेकेंड संडे राइड जो लगातार पिछले संडे राइड आपने देखा ही है. एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग अल्टीमेट फन. यहाँ पे हम एक मस्त सा जगह जा रहे हैं. सो दिस इज समर एंड समर में कहीं समर वाले जगह पे जाते हैं, थोड़ा फन होगा, मस्त लगेगा आप लोगों को. सो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. हम टाइगर रिज़र्व भी जाएंगे एंड जो सबसे डरावना जगह है इंडिया का, जिसे कहते हैं, बहुत फेमस है, आप गूगल पे क्लिक कर दोगे द हॉरर प्लेस इन इंडिया, वो जगह है. एंड उसके बाद सफारी है. बट उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सारी चीज़ें दिखाने से पहले ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि हाउ द प्रिपेरेशन इज़ गोइंग, प्रिपेयर कैसे हो रहे हैं, ये चीज़ें ज़रूरी है. सो लेट्स गो, जल्दी जल्दी प्रिपेयर होते हैं. राइडिंग गियर्स सारे पहन हैं, ठीक है, तो पहले राइडिंग गियर्स पहन लेता हूँ. सो सबसे पहले दिस इज द मेन थिंग, जैकेट एंड ये पहनना बहुत ज़रूरी है. माइंड स्टाइल आप सबको पता है. उसके बाद आता है पैंट. सो ये भी पहनेंगे. दिस इज द पैंट, राइडिंग पैंट. और ये कैसे पहनेंगे? सो पैंट हमने पहन लिया है. अब पहनेंगे ग्लव्स. यस. सो फाइनली पूरा राइडिंग गियर्स इज ओवर. जैकेट पहन लिया, ग्लव्स पहन लिया, राइडिंग पैंट्स इज आल्सो डन. सो नाउ आई थिंक वी आर फुल्ली रेडी टू लीव दिस प्लेस. बाल बहुत लंबे लंबे हो गए. इट्स नाउ टाइम टू लीव. सो मैं आप लोगों को मिलता हूँ फिर डायरेक्ट. कहाँ पे? माय फेमस डायलॉग. आपको मिलूंगा मैं रोड पे. टिल देन. तो एक्साइटेड, रात भर नींद नहीं आती है, लगता है कि कैसे जल्दी से सुबह हो एंड आप फिर राइड पे निकल जाएं. 6:40 हो रहा है अभी. तो दिस इज अपना गौर सिटी, हैव ए लुक. मज़ा आ गया, मज़ा आ गया. जो पिकअप एप्पल है इसका ना, खतरनाक. रेसिंग अलाउड है भाई, यहाँ पे कर सकते हो आप. आप सब बोलेंगे कि भाई यहाँ पे स्पीड कैमरा भी है, जिनको पता है कि ये नोएडा का फ्लाईओवर है, बट मेरे बाइक के लिए नहीं है. और ये कभी मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं है. अगर 45 से ऊपर आप जाते हो तो देन घर में चालान, मतलब ई चालान जो आपका कट जाएगा. कैमरा दिखाऊंगा आपको आगे ही है. दैट्स व्हाई आई लव दिस मशीन. तो आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 ऐसा ना हाथ दिखा रहा हो तो वो भी कैमरा में आ जा रहा हो वहाँ पे. ये देख लो, ये देखो ऊपर देख रहे हो, ये है वो स्पीड वाले. पर मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, मैं कितने भी स्पीड में जा सकता, 100 में था. बट सारे गाड़ियाँ आप देख सकते हो स्लो कर देते हैं वहाँ पे ना, 45 से ऊपर गए तो चालान भाई घर में आ जाएगा कट के. फेवरेट टनल अटल टनल के पास, यही फेवरेट है. अंडरपास है यार, टनल नहीं है. 7 बज रहे हैं, मुश्किल से 10 मिनट रह गया है पहुँचने के लिए. मेरे तो 50 किलोमीटर हो गए भाई. राइडिंग में कैसा है मेरा कि मैं पहले वार्म अप कर लेता हूँ 50-60 किलोमीटर का एक स्ट्रेच में, एंड देन आई डू द लॉन्ग जर्नीस. आई एम फुली प्रिपेयर्ड. अब इन लोगों की बारी है, देखते हैं क्या सीन है, फिर मिलता हूँ मैं जब उनके पास पहुँच जाता हूँ. सो ऑल सेट टू अलवर. लेट्स सी कैसा क्या होता है अलवर में. सब रेडी हो गए हैं. अब ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया? फेविक्विक लेके जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा अलवर में, कहाँ चिपकाएगा. 3, 2, 1. अरे हट रहे भाई साले, सामने बुड्ढे तेरी तो. सो ये सारे अपने भाई लोग, बट ये भाई अपने बंदी लेके.
सौ पेट्रोल के हैं 1, 2, 3 डंडी। टाइम हो रहा है 8:01, पेट्रोल भरवा लेते हैं। बाकी दोनों का पेट्रोल है, हम तीनों का इसका तो पहले से खुला है। पेट्रोल पेट्रोल उड़ जाएगा साले, ये क्या कर रहा है। जितना भराएगा नहीं उससे ज्यादा उड़ जाएगा। तो अभी पेट्रोल कर देते हैं फुल और फिर उसके बाद रुकना ही नहीं कहीं। पेट्रोल भर लिया गया है और पूरा ग्रुप इज ऑल रेडी टू लीव। सो ये है अपना पहला टोल, अनसर टोल है ये। और जैसे कि पता है मैं हमेशा पहला टोल जो है वो रिकॉर्ड करता हूँ। सो दिस इज इट। और रे भाई खतरा खतरा, मैं अपने पूरा ग्रुप ये कैसी लग रही है CBR 1000R। okay, cool. क्या है मन्नत के आगे जन्नत। अबे क्या है यार ये लोग, ये मन्नत ये रहा। और राइट साइड में ये देख सकते हो, यहीं पे हम आए थे पिछले संडे, वीडियो में आपने देखा होगा। आज भी राइडर्स हैं भर भर के, बट हम आज यहाँ नहीं जाएंगे। बाय बाय मन्नत, हम जाएंगे सीधा अलवर। सो लेट्स गो। सुपर बाइक सुपर बाइक। हाईवे के साथ और पीछे पता नहीं कुछ पंगा हो गया था सुपर वूपर बाइक का। ये रही पूछे पूरा टीम। ये चल रहा है क्लिनिक सर्विस। अरे ये बाइकर होने का ये एक सबसे बड़ा अपना डिस। क्या कर रहा है। सही दिख रहा है दुल्ला दुल्ला हो जाएगा। चलो लेट्स गो। थोड़ा आंखों को क्लीन दिखना भी जरूरी है वरना फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो फिर ये आप देख लो GPS के चक्कर में कहाँ ऊपर से चढ़ा रहे। हमारी बाइक तो भाई चढ़ ही नहीं सकती इसके ऊपर, हमारी तो नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस है ही नहीं इसके ऊपर चढ़ जाए। और ये अपना चढ़ा के जा रहा है GPS लगा के। और आगे आप देख लो पूरा मतलब वो ड्रेन ही ड्रेन है। ये GPS का भी यार कुछ समझ नहीं आता, ऊपर से चढ़ानी पड़ेगी। पीछे से चढ़ा लेते हैं, पीछे से रास्ता है। है चलो कोई नहीं। क्या सिस्टम है लोगों की, ये देखो पूरा ड्रेन, मतलब पूरा ड्रेन का पानी भरा हुआ है। मतलब यार ऐसे रोड पे मतलब कहीं भी तुम निकलो तुम्हें ऑफ रोड तो मिल ही जाता है। इंडिया में भाई साहब ये सब बाइक और सेडान वाले गाड़ियाँ जिसके ग्राउंड क्लियरेंस कम हो उनका कोई यूज़ नहीं है इंडिया में। खरीदो तो SUV खरीदो, टूरर बाइक एडवेंचर बाइक जो हर जगह चले जाए। अब बताओ यहाँ पे भी इतना बड़ा ये गड्ढा है। सो ये रहा अलवर 89 किलोमीटर। रिको वेलकम्स यू। ओके है ना अलवर जाने के लिए, बट दिस इज द रोड अलवर। रोड पर आपका स्वागत है। ये है अपना सेकेंड टोल। आप अलवर रोड पे जब आप आ जाओगे रेवाड़ी से
सो देन यू विल फाइंड इट आउट. आई एम तो जस्ट लविंग इट. और ये रहा तीसरा टोल. चीज़ मैं बोलूँगा, ये स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एक नहीं दो नहीं, मतलब भर भर के स्पीड ब्रेकर है. सो ये रहा टोल, टोल गेट के पास हमें तिजारा थे. और ये है कौन सा रेस्टोरेंट है, ये तंदूरी चाय वाला. और ये रहे फ्रू बॉन, अपने पराठे दही कह रहे घी में बना के दिया गया. दही के साथ थोड़ी फोटो खाएगा. ये क्या, ये क्या है? अरे ना पूछ लेगा नमक डालना है कि नहीं. तो खाने के बाद मिलता हूँ. सो अभी खाना वाना हमने खा लिया है यहाँ पे, एंड पराठे वैसे अच्छे थे. और बाकी यहाँ से फिर डायरेक्ट हम अलवर के लिए निकल जाएंगे. एंड यहाँ पे कुछ बाइकें कुछ हैं ऐसी पीछे. सो फिर अलवर में जाके फिर आपको अलवर से मिलता हूँ मैं आपको. टिल देन बाय. सो अभी हम थोड़ा सा ऐसा मतलब रास्ता भटक गए थे. So we all are in a now proper way. हाईवे से ही जाना चाहिए, कभी वैसे जाना ही नहीं चाहिए. फॉर द इंस्टेंस अरे रोड काम चल रहा है. तो दिस इज कॉल्ड राइडिंग ए गुड वे. क्योंकि अभी ग्रुप में राइड कर रहे हो तो देखो कैसे उसने हाथ ऐसे दिखा दिया कि हाँ कोई आ रहा है. तो यही चीज़ ही है जो दैट हेल्प्स यू आउट. आपका ध्यान कहीं और हो, स्पीडोमीटर पे हो, कहीं और आप देख लो, बट दस सामने वाला बंदा जो होता है, भाई होता है, वो बता देता है कि ऐसा ऐसा चीज़ है. ये जो बीच बीच में कटआउट होता है ये बड़े मतलब काइंड ऑफ डेंजर होते हैं कि कोई भी आ सकता है. कभी वो दिखता भी नहीं है, पत्थर ऐसे बीच में इन्होंने रख दिया ना, तो मतलब कोई है तो प्रॉपरली ऐसे विजिबल नहीं होगा अनटिल अनलेस सब पूरा ऐसे नजरें गाड़ के देखो कि कोई है नहीं है. अब ये समझ नहीं आया कि ऐसे आप स्टील के रेलिंग बना दो, बट ऐसा क्यों, ये क्या है पत्थर टाइप से, ये क्या है जिसमें पूरा ये रास्ते के ब्लॉक कर. सो ड्रोन उड़ चुका है और ये रहे बाइक है अपनी और ड्रोन जा रहे हैं वहाँ पे. ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू हियर. सो अलवर 6 किलोमीटर और एंड बस पहुंच ही गए. पता है कि कैमरा जस्टिस नहीं करना है, इस तरह पहाड़ है, इस तरह वैसा लग रहा है कि दिस फ्लाईओवर इज लाइक ऑन द स्काई. साइड चल
अगले बीच में गाड़ी चला रहा है, देख लो अब जीपीएस कहां कहां घुसा रहा है। अरे यार ये आप ये बात सही बोला, ये टर्न नहीं होना चाहिए। हम देख लो बच्चे पागल सा हो रहे हैं। ओ माय गॉड, ये चीज़ें होती है हिट इस काइंड ऑफ जो ऐसे एंट्रेंस एंड एग्जिट जयपुर राजस्थान के साइड। सो इससे आपको पता लगता है कि आप मतलब राजस्थान में हो। खम्मागणी ओ फक, क्या बंदे हैं भाई, उधर देख रहा है वो बाइकों को देख रहा है, मेरे सामने आ गया। ये है अपना वो बाग पे बाइक्स आर नॉट अलाउड है ये जो बाला किला के लिए, सो यू हैव टू टेक दिस मारुति जो जिप्सी है लेके जा सकते हो। लोग तो ऐसे घूर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। खोपड़ा फोड़ दिया मैंने। ए फिर से फिर से वहीं पे ही है। ये बड़ा परेशान करा इसने, कब से काट रहा है घूम फिर के, लास्ट में मरा है ये, मरा। ये तो दूसरा येलो वाला है, मधुमक्खी बहुत है यहाँ पे, या तो गन्ने के वजह से है या तो फिर कोई और रीजन है, पता नहीं काटे जा रहे हैं। ये और ये यहाँ पे वो चल रहा है ना, क्या मधुमक्खी मारने आए, मधुमक्खी है यहाँ पे। लड़का जो है थक गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात भर सोया नहीं था, तो जिस वजह से अभी अपना नींद कंप्लीट करते हुए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रात में सो जाया करें, बट अरे अरे जग गया भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तेरा वीडियो देख रहा था अभी मैं, कैसा है, कैसा था। यह है गरवा लेक, मतलब थोड़ा शाम के टाइम यहाँ पे अच्छा लगेगा बाइकिंग करते हुए, इधर भी जंगल है इधर भी जंगल है और बीच में रास्ता है। बच्चे बाय बाय कर रहे हैं बिल्कुल ही। गाय कैमरा एंगल ठीक करते हुए बंदा, यही तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। अपना गरवा वाटरफॉल का, बट गड्ढा बहुत है तो, अरे यार अरे नहीं यार, मतलब कुछ तो मतलब हाथ पैर मुंह तो धो लेते हैं, उतना भी पानी नहीं है। सही बात है।
बंदा बहन के जूते खोल के थोड़ा बैठ तो सके। ओ भाई साहब मैं डरा है भाई। चलो तुम दोनों आगे चलो आगे। ओ भाई साहब क्या उछला है तू। अरे वो कहाँ गया। हाँ 100% आएगी पूरा लेक। बस वही है थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो बैठो। यह है अपना गरवा लेक, जो पीछे है लेक। बोलता है कि गर्दा लेक है। ये है हमारी बाइक है कुछ ऐसी और मस्त व्यू है। मस्त व्यू वहाँ पे पीछे आप देख सकते हो। पॉइंट आउट नहीं करूँगा पीछे वाइट वाइट अगर दिख रहा हो वहाँ पे हो रहा है प्री वेडिंग शूट हो रही है। और ड्रोन अपना ये कवर हटा ही नहीं Clouds are stirring up the sky. I was so in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost, what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. ये और ये शूट प्री वेडिंग की और ये कैमरामैन करते हुए शूटिंग और ये पूरा लोकेशन। हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा हो गया है फोटो शूट और जो संडे राइड था वो फाइनली कंप्लीटेड। और ये रहे ड्रोन वाले बंदे, एक ये और एक ये ड्रोन। अगर ट्रोन मूवी किसी ने देखा हो तो ऐसा टाइप का पूरा है। और देखिए इधर सो ये रहे दोनों बंदे। लाइट पूरा मस्त ये है पूरा प्रॉपर। और ये जो लाइट है इसमें पूरा प्रॉपर व्यू आ रहा है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा कितना ब्राइट है। हमने सोचा कि ऐसे ढाबे वाबे में खा ले बट नहीं ढाबे में नहीं खाना है। ता मन्नत दूर से आपको दिख गया होगा। 9:39 संडे राइड। क्या बोल रहा है तो ये रहा अपना मन्नत और यहाँ पे करेंगे जन्नत खाना खा के। चलो मैं आपको मिलता हूँ फिर खाने के टेबल पे। तो ये आ गया है खाना। हेलमेट 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 पूरा गियर। एक जगह पे हम बैठेंगे एक जगह पे हमारे गियर। और ये रहे पराठे और ये रहे पराठे। फिर खा के मैं मिलता हूँ आप लोगों से। और ये है बटर जो मेरा फेवरेट। सो यहाँ से हमारा डिनर कंप्लीट हुआ 11:55 में। और ये रेडी हैं सारे बाइकर्स। आर वी रेडी 1 2 3 अरे यार भाई
ख़त्म तो हुआ नहीं, अभी भी 3 डंडी है, बट अपना भरवा लेंगे, फुल कर देंगे। थोड़ा टाइम लग गया बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, राइड राइड होता है। एंड एक राइडर के लिए टाइम का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। जो भी देख रहे हो, जो भी वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब एंड तब भी वो देख रहे हो तो आप कर सकते हो यार, मतलब देख रहे हो अगर एंड तो देन तो करना बनता है सब्सक्राइब, राइट? बट सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। चलो फिर मैं आपको मिलता हूँ घर पे। बैक टू होम, घर पहुँच चुके हैं।